अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, और आज मैं आपको एक आयरन रिच टैबलेट के बारे में या कैप्सूल के बारे में, आयरन फार्मूले के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आयरन फॉलिक एसिड और जिंक, ये जो फार्मूला है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ये लगभग मैं आपको बताऊंगा, ये जो है कैप्सूल फेरोटीन नाम का एक कैप्सूल है, अगर आप देख रहे हैं इस पे बताऊंगा मैं आपको। कैप्सूल फेरोटीन आपको दिख रहा है, आयरन, जिंक एंड फॉलिक एसिड। इसमें आयरन लगभग 100 mg है, जिंक लगभग 61.8 mg है, और फॉलिक एसिड लगभग जिंक मॉडल से फॉलिक एसिड लगभग 1 mg है दोस्तों। तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों कैप्सूल फेरोटीन, ये लिफोर्डिस कंपनी का प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा रिजल्ट है इसका, आयरन फॉलिक एसिड और जिंक ये कॉम्बिन। तो बात कर रहे थे दोस्तों, हम बात कर रहे थे आयरन फॉलिक एसिड और जिंक कैप्सूल की या टैबलेट की। 100 mg आयरन है, जिंक जो है 61.5 और फॉलिक एसिड जो है 1 mg। तो ये जो टैबलेट है या जो कैप्सूल है ये एनीमिया के पेशेंट में यूज़ होती है दोस्तों। एनीमिया जिसका HP 10 से कम है या 11 से कम है, नॉर्मली हमारा HP जो है 12 से 14 के बीच में होना चाहिए दोस्तों। तो 10 से या 11 से कम जिसका HP है उनमें हम एक या दो टाइम पे ये कैप्सूल या टैबलेट देते हैं दोस्तों। बहुत से पेशेंट होते हैं जिनमें एनीमिया होता है, आयरन डिफिशियंसी, तो उनको ये हम एडवाइस करते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी उनका HP कम हो सकता है, तो उनको भी ये दे सकते हैं हम। बहुत से पेशेंट अलग अलग होते हैं, लीवर एसोसिएटेड जो लीवर में प्रॉब्लम होते हैं उनको भी जो है आयरन का प्रॉब्लम होता है, एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको जो है वर्म एसोसिएटेड जो है उनको एनीमिया हो सकता है, तो उनमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ANC है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं, तो उनको भी हम 3 महीने से जो है ये आयरन फॉलिक एसिड और जिंक का कैप्सूल हम स्टार्ट करते हैं। वो लगभग पूरा प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद भी 6 महीने के बाद तक हम उनको ये 1 या 2 एज पर उनके HP के हिसाब से हम ये कैप्सूल उनको सजेस्ट करते हैं या टैबलेट। ये फेरोटीन जो कैप्सूल है, आयरन फॉलिक एसिड और जिंक, ये जो है अलग अलग कंपनी के मिलते हैं, जैसे ओरोफर XT है या फिर लिवोजन Z है, ऐसे अलग अलग ब्रांड इसमें मिलते हैं दोस्तों। ये कैप्सूल टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं दोस्तों। और इसके बाद बारे में और ये बताया जाए तो कुछ कुछ पेशेंट्स में अगर कमज़ोरी है, वीकनेस है, तो उनमें भी हम ये देते हैं जिंक, आयरन और फॉलिक एसिड। कुछ कुछ पेशेंट जो है वो प्रेगनेंसी के पहले भी हमें अगर इसका अलग अलग हम करेंगे जिंक, फॉलिक एसिड और आयरन, तो उसके ऊपर हम अलग अलग बात करेंगे दोस्तों। होप दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच।